समझता कि कोई इस यात्रा का कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी यात्राएं निकलती हैं ना जी, वो कोई एक विजन होता है जिस बात को लेकर निकलते हैं, और इस यात्रा का कोई विजन नहीं है। अगर आप देख रहे कहीं भी कोई अभी तक कोई गंभीर बात अभी तक नहीं की गई, 50% टाइम तो इसी बात पे है कि टी शर्ट पहन के निकल रहे सर्दी में। अब सर्दी टी शर्ट ये तो कोई विषय नहीं है, देश के लिए तो कोई विषय नहीं है कि आप टी शर्ट में निकलते हो या बिना टी शर्ट के निकलते हो। तो अब इस प्रकार की हल्की बातें ज्यादातर चल रही, कोई गंभीर बात नहीं है ऐसी इस प्रकार की जो कोई खामी सरकार की निकाल सके। और मैंने समझता कि सरकार की खामी है, जितने इस टाइम में सरकार ने जिस प्रकार से प्रगति की, जिस प्रकार से देश को आगे लेके गई, और कोरोना के बाद जहां पूरी दुनिया में जिस प्रकार के हालात पैदा है उसके बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से उसको संभाल लिया, चाहे वो महंगाई का मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, किसी का भी, जिस प्रकार से भारत ने संभाला, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही। बल्कि बहुत से देश ऐसे हैं जो अब भारत से कह रहे हैं हमारा मार्गदर्शन करोगे, आपने आर्थिक स्थिति किस तरीके से ठीक रखी। तो मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का, और कुछ तो वैसे ही पड़ने वाला है क्योंकि लोग खुश हैं सरकार से, सरकारी कारगुजारी से खुश हैं। दूसरी बात यह है कि जो कहने वाले हैं उनके पास कहने से कुछ नहीं है, तो लगता नहीं है कुछ भी। ठीक है, कार्यकर्ता थे उनके, वो वहां आए, उन्होंने स्वागत किया, वो तो हर आदमी के अपने अपने समर्थक हैं, उनको लेके आए, पानीपत में आए, उन्हें स्वागत किया, वो बात अलग है, लेकिन कोई समाज पे कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप आम आदमी से पूछो तो आम आदमी को ये भी नहीं पता कि यात्रा किस लिए है।